हैंगटोंग नामी कार्गो बरदार बहरी जहाज कराची के पोर्ट पर लंगर अंदाज होने की बजाय समंदर में फंस कर रह गया है। इसको वहां से हटाए जाने के लिए कोशिशें एक हफ्ता से जारी हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अरानी। आज मैं मौजूद हूं कराची के साहिल पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक बड़ा बहरी जहाज जो है वो कराची के साहिल पर आकर फंस चुका है। अमूमन बड़े जो बहरी जहाज होते हैं ये गहरे पानी में चलते हैं, लेकिन ये इस साहिल किनारे कैसे पहुंचा और कैसे ये फंसा? इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि ईद के पहले दिन ये बड़ा बहरी जहाज साहिल किनारे आके फंसा, लेकिन इदारों को इसकी मालूमात नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, अवाम यहाँ पर पहुंची, इस जहाज को, इतने बड़े जहाज को हैरत से देखा। यहाँ पर टिकटॉक्स बनी, इस जहाज के साथ पिक्चर्स बनी, तब जाकर इदारे हरकत में आए। मीडिया ने जब इस चीज को हाईलाइट किया तब कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जो है इस बात की तस्दीक की कि ये गैर मुल्की जहाज है जो कि कराची के साहिल पर आके फंस चुका है। ये जहाज यहाँ तक, इस साहिल तक कैसे पहुंचा, कैसे फंसा, ये सब चीजें आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, ये बताएं जहाज़ ये कौन सा है, किस मुल्क से आया, कैसे फंसा और ये कब निकलेगा? ये जहाज़ जो है चाइना से चला है, चाइना से चल के सिंगापुर में बंकर किया और इधर आया था क्रू चेंज करने। यहाँ से कहीं और जा रहा था, मेरे ख्याल से कोई अफ्रीकन कंट्री। यहाँ पे क्रू चेंज करने के बाद इसका एक एंकर टूट गया, उसके बाद इसका दूसरा एंकर टूट गया। इसके इंजन जो है इस वक्त 2.5 नॉट पे चल रहा है, हालांकि मेरे आप खुद, मैं जहाज पे मालिक रह चुका हूँ, 2.5 नॉट के ऊपर जहाज सिंगापुर से आया है वही कैसे, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो है इसके इंजन में जान नहीं था, इसलिए ये इधर आके ग्राउंड हुआ है। मैं कितना ईंधन है सर इस वक्त? 120 टन जो है इसमें ईंधन है। तो इसमें इस गलती का कसूरवार कराची पोर्ट है या कप्तान की गलती है जो इजाज़त दे? कप्तान की गलती नहीं है, ये इंजन की गलती है ना। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो ड्राइवर की गलती तो नहीं होती। आगा किया था पोर्ट पर? देखिए, उसने बिल्कुल आगा जब किया, जब जहाज जो है उसके साहिल के तरफ। जैदी साहब ने ट्वीट किया है कि जो कप्तान है जहाज का उसने आगा नहीं किया था। नहीं देखिए, आगा किया था मगर देर से किया। देखे ना, अब वो आप पुल के ऊपर आप जा रहे हैं, आपने आगा कर दिया कि नीचे आप आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो टाइमिंग का डिफरेंस। सर बताएं कब तक एक्सपेक्टेड है इसका जो है रेस्क्यू, कब किया जाएगा इसका, कब ऑपरेशन शुरू होगा इसको निकालने? मेरे हिसाब से 12-13 तारीख को शुरू होगा, क्योंकि जब हाई वाटर होता है चांद की जो पानी जिसको आप बोलते हैं ना, उसके ऊपर ये रेस्क्यू का जो सही वक्त होता है, क्योंकि पानी की सतह इतनी ऊँची होती है, उस पर अल्लाह करे ये निकल जाए। उसके अलावा इसका कोई कराची के साहिल पर फंसे इस जहाज के हवाले से सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं कामरान चौहान साहब, इनसे जानेंगे कि क्या वजूहात हैं इस जहाज के साहिल पर फंसने की। सब ये कौन सा जहाज है और ये किस मुल्क से चला है, कैसे फंस गया यहाँ? देखिए जी, इस जहाज के हवाले से जो मालूमात सामने आई है वो ये है कि ये मलकियत है UAE की, और अभी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर महमूद मौलवी साहब ने बताया कि इसका मालिक जो है वो एक ईरानी है और पनामा में ये जहाज़ जो है वो रजिस्टर्ड है इसकी कंपनी। अब मामला ये है कि हमारे इदारों की जानिब से बहुत सारी चीज़ों में जो है हमने देखा कि उसके बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये जहाज़ यहाँ पर फंस गया था तो हमारे इदारे कैसे लाइल्म थे? टिकटॉक बने, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई तो हमने भी देखा, तो मीडिया ने जब KPT से पूछा तो उसके बाद उनका वर्जन सामने आया कि हाँ जी वाकई एक जहाज़ फंसा हुआ है और ये सारी सूरत है। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऑयल स्पेल जो है वो ना हो, तो इस जहाज़ पर अब तक की इतलात के मुताबिक, और महमूद मौलवी ने भी अभी कंफर्म किया है इस बात को कि इस पर जो है वो ऑयल किसी किस्म का नहीं है। हाँ, जहाज़ के इंजन का जो ईंधन है वो तकरीबन 118 टन बताया जा रहा है वो है, उसको रोकने के लिए KPT और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जहाज़ के अतराफ जो है वो फ्लोटिंग बूम्स लगा दिए हैं ताकि अगर किसी खिंचाव के वक्त ये जहाज़ टूटे या ऑयल स्पेल हो तो उसको समंदर में उसको शामिल होने से बचाया जाए। जहाज़ के गैर मुल्की मालकान हैं, उनका क्या रब्ता हुआ है हमारी इंतज़ामिया से?
सर अभी तक देखें जी, गवर्नमेंट तो कह रही है कि रابطہ नहीं हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं उसके मालिक से रابطہ करने की। हाँ, ये ज़रूर चीज़ें सामने आई कि दो टग UEC उसने फॉरवर्ड किए जो आज कराची पहुँचे हैं, और इसके साथ साथ जो इसका ऑपरेशन टोटल होता है उसको मॉनिटर करने के लिए चाइना से एक्सपर्ट उसने पाकिस्तान भेजने का कहा है। मे बी वो आज शाम तक शायद यहाँ पहुँचे, मगर मसला फिर वहीं आके रुकेगा जब तक सीट टाइट नहीं होगी। देखिए, एक्सपर्ट का कहना है कि ये जहाज मिट्टी में धंसा हुआ है, जब तक सी की लहरें जो है, मतलब लहरें जब तक ऊंची नहीं होंगी तब तक इसको नहीं निकाला जा सकता, तो ये बात तो तय है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेड है, साफ तरह फोरकास्ट होगी समंदर के हवाले से। इसीलिए महमूद मौलवी कह रहे हैं कि 15 से 16 अगस्त को जहाज को निकाला जाएगा। मगर एक अहम बात यह है कि कप्तान की एक वॉइस आई थी जिसमें उनको कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने रابطہ किया, हमें रिस्पांस नहीं दिया गया, जिसके बायस जब दूसरा एंकर टूटा तब भी हमने रابطہ किया। तो ये बहुत सारे सवालात थे जिसके बायस मीडिया ने भी जो महमूद मौलवी से यही तेज़ और तंदो तेज सवालात किए। मुस्तकबिल में ये जो जहाज की जो भी फनी खराबी थी, मुस्तकबिल में हमारे इदारों के पास कोई क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है जो इस तरह की चीज़ों को जो है वो फौरन हैंडल कर सके? बिल्कुल, KPT के पास क्विक रिस्पांस जो सेंटर है वो उनका होता है। और ये नहीं, ये कोई एक जहाज़ तो नहीं, जहाज़ आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान का एक ये एक्टिव पोर्ट है और मेन पोर्ट है कराची, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर ये अपनी नौबियत का थोड़ा सा डिफरेंट वाकया है कि CBO पे लोगों ने पहली दफ़ा देखा है क्योंकि जहाज़ आ गया, तो बोट्स भी यहाँ तक नहीं आती क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी के साथ की जगह है। ये तमाम जहाज इंश्योर्ड होते हैं, इन पर जो सामान होता है वो भी इंश्योर्ड होता है, तो ये सारा काम मालिक ने कराना होता है। पता नहीं वो मालिक कहाँ गायब है। देखिए, गवर्नमेंट रابطہ कर रही है और साफ ज़रा इंटरनेशनल लॉज भी हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा होता कि अपनी मर्ज़ी से हर कुछ हो रहा हो, या कोई भी जहाज़ है, ये कोई बस तो नहीं है, जहाज़ है और करोड़ों मालियत का इस पर सामान होता है डॉलर्स में, तो उसका इंटरनेशनल लॉ के तहत ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और डेफिनेटली इसका जो जहाज़ का मालिक है उसकी जिम्मेदारी है इस सारे अखराजात को बेयर करना।